हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्नम की बुक का चैप्टर नंबर 5 पार्ट 3 द रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे पहले ये सभी स्लाइड्स हमने पहले देख ली हैं, ठीक है। यहाँ ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है, डिटेल में कौन कौन से लीडर्स थे और सेंटर कौन से थे उनके। आज हम बात करेंगे सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। तो ये फाइनली कैसे जो है रिवोल्ट एकदम से सप्रेस्ड हो जाता है। तो आपको याद होगा कि ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था दिल्ली 20 सितंबर 1857 को, काफ़ी फाइटिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद मतलब फाइटिंग, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई फाइटिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद जो जॉन निकोलसन थे, ठीक है, लीडर ऑफ द सेज, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाउंडेड हो चुके थे, इनको काफ़ी इंजरीज आई थी। और जो बहादुर शाह जफर था, जिनको ये लीडर बना के सोल्जर्स जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, तो यहाँ पे लिख रही हूँ बहादुर शाह जफर को जो है वो प्रिजनर बना दिया गया, ठीक है। और जो रॉयल प्रिंसेस थे वर कैप्चर्ड एंड बटचर्ड ऑन द स्पॉट, उनको वहीं मार दिया गया एंड पब्लिकली शूट एट द पॉइंट ब्लैंक रेंज बाय द लेफ्टिनेंट हुडसन हिमसेल्फ, ठीक है। एंड द एम्परर वॉज एग्जाइल्ड, मतलब ये जो बहादुर शाह जफर था इसको एग्जाइल में भेज दिया गया, कहाँ पे, रंगून में। फिर इसकी वहीं पे जो है वो मृत्यु हो जाती है 1862 में, ठीक है। और ये जो था एक ग्रेट हाउस ऑफ मुगल वॉज फाइनली एंड कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। और ये एक टेरिबल जो मूवमेंट था फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द दिल्ली, विद द फॉल ऑफ द दिल्ली द फोकल पॉइंट जो था रिवोल्ट का वो डिसअपियर्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि अब सारा कुछ किसके अंडर आ गया, ब्रिटिशर्स के अंडर। वन बाय वन जो एक एक जो ग्रेट लीडर की मैंने अभी आपको एक एक करके बताए थे लास्ट लेक्चर में, वो रिवोल्ट में जो है वो गिरते चले गए, ठीक है। मिलिट्री ऑपरेशंस फॉर द रिकैप्चर ऑफ कानपुर भी जो थे वो इतने सही नहीं थे कि उसको रिकवरी मिल सके, ठीक है। लखनऊ में भी ऐसा ही था कि वो रिकवर नहीं कर पाए, अगर अंग्रेजों के पास एक बार गया तो वो वापस नहीं आ पाया उन लीडर्स के पास, ठीक है। और सर कॉलिन कैम्पबेल, इन्होंने किस चीज़ को कैप्चर किया था, कानपुर को, कब, दिसंबर 6, 1857 को। नाना साहिब को भी डिफीट कर दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कानपुर में कौन थे, नाना साहिब, ठीक है। तो इनको डिफीट कर दिया था और इनको कहाँ पे भेज दिया गया था, नेपाल में, एस्केप हो गए थे ये नेपाल में इन अर्ली 1859, नेवर टू बी हर्ड ऑफ अगेन, दोबारा इनके बारे में पता ही नहीं चला कि नाना साहिब कहाँ गए, वो नेपाल में ही चले गए थे, ठीक है। उसके बाद उनके जो एसोशिएट थे, क्लोज एसोशिएट तांत्या टोपे, जिनको रानी लक्ष्मीबाई भी ज्वाइन करती है, वो भी एस्केप हो गए थे, कहाँ पे, जंगल्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश के लगा लो, वहाँ पे जो जंगल थे, घने जंगल, वहाँ पे ये चले गए थे। एंड वॉज कैप्चर्ड वाइज एस्लीप इन April 1859 एंड पुट टू डेथ, वहाँ पे ये मिले अंग्रेजों को, ठीक है, सोए हुए थे वहाँ पे ये तांत्या टोपे एंड वहीं पे इनको मार दिया गया था। और जो रानी ऑफ झांसी थी उनको, वो भी मर गई थी लड़ते लड़ते, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल फील्ड में जो है वो झांसी की रानी जो है लड़ते लड़ते मर गई थी June 1858 में, ठीक है। तो June 1858 में वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, मर गई थी, कैन आई इज नॉट द राइट वर्ड, सॉरी फॉर दैट, ये शहीद हो गई थी वहाँ पे। एंड झांसी वॉज रिकैप्चर्ड बाय द, किसके द्वारा इसको रिकैप्चर किया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो है, ह्यूज रोज, सर ह्यूज रोज के द्वारा जो है इसको कैप्चर कर लिया गया था झांसी को, ठीक है। उसके बाद 1859 में कन्वर सिंह, ठीक है, और भक्त खान, और खान बहादुर खान ऑफ बरेली, राय साहब, ये जो सारे थे, राय साहब कौन थे, नाना साहेब के ब्रदर, मौलवी अब्दुल्ला, ठीक है, ये जो सारे थे इन सबको मार दिया गया था, ठीक है, डेड हो गए थे ये। वाइल द बेगम ऑफ अवध वॉज कंपेल्ड टू हाइड इन द नेपाल, तो बेगम ऑफ अवध, एक तो नाना साहिब और बेगम ऑफ अवध, तो ये दोनों जो है वो नेपाल चले जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपाल कौन कौन एस्केप हो जाता है, तो नाना साहिब एंड बेगम ऑफ अवध, तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद बनारस में जो रेबिलियंस थे वो भी ऑर्गेनाइज जो करवाए गए थे, उनको भी सप्रेस कर दिया गया था, कि इनके द्वारा, कॉर्नियल नील के द्वारा, और जिसको जो है वो स्पॉइस ने बाद में मार भी दिया था, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी जो थी ऑल ओवर द इंडिया जो है एस्टेब्लिश हो गई थी, तो ये याद रखेंगे 1859 में जाके जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी पूरी जो है वो अपने अंडर कर लिया था इंडिया को, ठीक है।
उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इमेंस पावर्स थी, मनी मैन आर्म्स, ये जो है फैल चुकी थी इन द कंट्री, और इन्होंने मतलब पूरा अब एंटायर इंडिया को अपने अंडर कर लिया था, और इसी तरह ये जो है वो सुप्रेस हो गया रिवोल्ट। सॉरी, नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉजेज क्या रहे कि ये जो रिवोल्ट था वो फेल हो गया? तो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन जो था वो नहीं था। ये पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब 1000% इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। कॉजेज क्या रहे कि रिवोल्ट जो 1857 का वो फेल हो गया? तो पहली बात तो यही थी कि तो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन जो था वो नहीं था, एबसेंट था, क्योंकि लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड था, ठीक है, नॉर्थ में ही रहा, साउथ में तो गया ही नहीं ये। ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट जो थे वो अनइफेक्टेड रहे इस उससे, मतलब वहाँ पे नहीं गया, तो ये नॉर्थ में ही रहा। दूसरी बात, ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, कुछ ही क्लासेस थी जिन्होंने ज्वाइन किया, सभी ने नहीं किया, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। और बिग जमींदार जो थे वो एक्टेड एज द ब्रेक वाटर्स टू स्टॉर्म, इवन अवध तालुकदार बैक्ड ऑफ, उन्होंने भी नहीं किया। अब किन्होंने नहीं किया वो आप याद रखेंगे, ठीक है। बिग जमींदार मतलब जमींदार्स ने तो किया था, लेकिन बिग जिनकी ज़मीनें नहीं ली थी उन्होंने, तो बिग जमींदार थे, और एक थे अवध के तालुकदार्स, ये भी उनकी साइड थे, ब्रिटिशर्स की साइड ही थे, ठीक है। वंस प्रोमिसज ऑफ द लैंड रेस्टिट्यूशन वर स्पेल आउट, उसके मनी लैंडर्स, मर्चेंट्स, ये सारे मनी लैंडर्स, मर्चेंट्स, क्योंकि इनको ट्रेड करना था मर्चेंट्स को, तो इसलिए ये चाहते थे कि हमारी बन के मनी रहे ब्रिटिशर्स के साथ, ये ब्रिटिशर्स की पैट्रोनेज के अंदर ही रहते थे। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस जो थे, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस, ये भी इन्होंने भी उनको, क्योंकि ये सोचते थे कि ऐसे तो अगर हम रिवोल्ट में पार्ट लेंगे तो हम बैकवर्ड ही रहेंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ मिलके हमारे कुछ वेस्टर्न हमें मिल सकती हैं कुछ नॉलेज, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो मॉडर्नाइजेशन ईरा को स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर रिफ्यूज टू ज्वाइन, क्योंकि इंडियन रूलर्स को वो कुछ ना कुछ ऐसे ही दे देते थे बेनिफिट्स, और वो फिर उनके ही गुणगान किया करते थे अंग्रेजों के, ठीक है। उसके बाद रूलर्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिंदिया जो थे वो ग्वालियर के जो लोकल रूलर थे, वो भी किसके साथ थे? ब्रिटिशर्स के साथ थे। ये जो लोकल रूलर्स थे ना, ये सारे उनके साथ थे, जैसे होलकर इंदौर के जो रूलर थे वो हो गए, और पटियाला के रूलर्स, ठीक है, पटियाला के रूलर्स हो गए, सिंध के हो गए, सिख चीफ्स जो थे वो, और महाराजा ऑफ कश्मीर, महाराजा ऑफ कश्मीर, ये सब भी जो थे ब्रिटिशर्स के साथ थे। मोस्ट ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया जो था वो बिल्कुल भी इस रिवोल्ट में नहीं पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये एस्टिमेट लगाया जाता है नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल एरिया एंड नॉट मोर देन द 1/10 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज अफेक्टेड, ठीक है। तो ये सभी क्लासेस जो है आप याद रखेंगे कि किन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, बिग जमींदार हो गए, अवध के जो तालुकदार्स थे वो, मनी लैंडर्स, मर्चेंट्स थे जो वो, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे वो, इंडियन रूलर्स थे जैसे कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर, और आपके पास होलकर ऑफ इंदौर, रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध एंड अदर सिख चीफ्स, और महाराजा ऑफ द कश्मीर, इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद आगे चलते हैं हम, पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इनके पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स कैसे थे, इसीलिए भी जो है रिवोल्ट में ये कामयाब नहीं हो पाए। तो इंडियन सोल्जर्स जो थे इनके पास पुराने तरीके के, जैसे स्वॉर्ड्स हो गई, ठीक है, तलवारें वगैरह, और वो चाकू छुरियों से ही किया करते थे, लेकिन और जो इनके पास गन्स थी ना वो वेरी फ्यू थी, मतलब कुछ ही नंबर में थी। और लेकिन जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनके पास तो एनफील्ड राइफल थी, ठीक है, जिसके पीछे ये लड़ाई एक तरह से स्टार्ट भी होती है, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कैप्ट द कमांडर इन चीफ इन्फॉर्म्ड, तो तब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की भी मतलब एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी, इसकी वजह से इनको जो है ब्रिटिशर्स को सभी चीज़ों की सूचना मिल रही थी कि जो रेबल्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो इनके पास नहीं थी जो
ये लीडर्स थे, ठीक है, और रिवोल्ट में जो सोल्जर्स पार्ट ले रहे थे उनके पास ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उनको पता चल सके कि ब्रिटिशर्स क्या चल रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो पता कर सके कि रेबल्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज था ये, और प्रिंसिपल रेबल लीडर्स जो हैं यही है नाना साहिब तांत्या तोबे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, और जो थे दूसरी साइड पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे वो थे लॉरेंस ब्रदर्स, ठीक है, जॉन निकोलसन, जेम्स आउट्राम, हेनरी हैवलॉक एडवर्ड, ये थे। लेकिन जो उनका था वो एक प्रॉपर जो है गाइडलाइंस के थ्रू चला करते थे, लेकिन इनका था कि कभी किसी ने जो है अटैक कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, तो इनमें जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं थी, तो नो कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, ठीक है। ये सभी लीडर्स थे अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे, तो सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया ये जो लीडर्स थे अपनी अपनी जगहों से लड़ रहे थे, अगर एक जगह से सभी इकट्ठे होकर लड़ते तो मे बी पॉसिबल था, ठीक है। उसके बाद नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी ही नहीं थी इनकी यूनिफाइड वाली, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई इनको कॉलोनियल रूल की, तो नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल की, कि ये कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे खा जाएगा भारत को, वो इनको नहीं पता था। फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम्स जो थे वो चलाने चाहिए थे, जो कि नहीं चला रहे थे, ठीक है। और एक इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कोहेरेंट नेचर की थी, ठीक है, और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और द सोशलिस्ट टिकल ऑल्टरनेटिव भी था उसके साथ ही। और जो रेबल्स थे वो उनकी जो ग्रीवेंसेस थे वो डिफरेंट थी, ठीक है, और लैक ऑफ यूनिटी हमने पहले ही बात की अमंग द इंडियंस, जो कि एक काफ़ी बुरी सिचुएशन क्रिएट कर देती है, ठीक है। और द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द इंडियन पीपल टुगेदर, हालांकि काफ़ी लोग साथ में भी आए लेकिन एक लार्ज चंक जो था वो पीछे ही रह गया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं आपके कोर्सेज, आपको ये सभी बातें याद रखनी है। ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था, ऑल क्लासेस ने ज्वाइन नहीं किया था, आप सभी के बारे में बताएंगे। पुअर्स आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स थे, और इन कंट्रास्ट ब्रिटिशर्स के पास में भी बताइएगा क्या क्या थे। अनकोऑर्डिनेटेड पुअरली ऑर्गेनाइज था, और दोनों के मतलब भारतीय लीडर्स भी बताइएगा और रेबल लीडर्स, और दूसरे उनके लीडर्स के भी नाम बताइएगा। और उसके बाद नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, ये भी बताइएगा कि कैसे जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल नहीं थी। तो ये पॉइंट सारे आप लिखेंगे इसमें, तो यही एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करके लिखेंगे। आगे चलते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर इसमें 1857 वाले रिवोल्ट में कैसे सामने आता है। तो जब पूरा रिवोल्ट चल रहा था तो कंप्लीट कोऑपरेशन था बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम, और ऑल लेवल्स के ऊपर, तो जिसके अंदर पीपल आ जाते हैं, सोल्जर्स आ जाते हैं, और आपके लीडर्स आ जाते हैं जो कि इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। और बहादुर शाह जफर जो था उन जिसको बनाया था वो खुद एक मुस्लिम था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट इन्होंने सामने रखा था, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ट्रेडिशनल जो यूनिटी की बात किया करते थे, और मुगल डेंसिटी जो थी इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी को लेके चलती थी, इसलिए इन्होंने बहादुर शाह जफर को एज अ सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इम्पल्स ऑफ हिंदू स्पॉयज एट मेरठ वॉज टू बी मार्च टू दिल्ली मुगल एम्पीरियल कैपिटल, एंड रेबल्स एंड स्पॉयज जो थे वो दोनों थे, ठीक है, रेबल्स एंड जो स्पॉयज थे वो दोनों थे उसके अंदर, हिंदूज भी थे एंड मुस्लिम्स भी थे, और दोनों के एक दूसरे के सेंटीमेंट्स को रिस्पेक्ट किया करते थे। और इमीडिएट बैनिंग हो गया था तब काओ स्लॉटर की, काओ को स्लॉटर नहीं करना है, ठीक है, ये इन्होंने जैसे ही रिवोल्ट शुरू हुआ तो इन्होंने बोला था, ठीक है। उसके बाद जो दोनों हिंदू एंड मुस्लिम थे वो रिप्रेजेंट करते थे, मतलब लीडर्स में वो दोनों थे, जैसे नाना साहिब हैड द अजमुल्ला मुस्लिम एंड एन एक्सपर्ट पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा एज अ साइड अबाइड, वाइल लक्ष्मीबाई हैड द सपोर्ट ऑफ द अफगान सोल्जर्स, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है वो अफगान सोल्जर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, तो ये हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे यूनिटी दिखती थी हमें, ठीक है। द इवेंट्स ऑफ द 1857 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द पीपल एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया वर नॉट बेसिकली कॉम्युनल बिफोर 1857। तो
या 1858 के पहले जो है वो कॉम्युनलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं दिखा, ये दोनों मिलके जो है वो काम किया करते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेचर ऑफ द रिवोल्ट क्या रहा। तो व्यूज डिफर ऑन द नेचर ऑफ द 1857 रिवोल्ट, डिफरेंट रिव्यू वो हो सकते हैं व्यूज। ठीक है, और ये एक स्पॉय म्यूटनी से जो है इसको बोला जा सकता है, ये जो रिवोल्ट था वो एक स्पॉय म्यूटनी थी। ठीक है, अ होली अनपैट्रियोटिक था, सेल्फिश स्पॉय म्यूटनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट, ऐसा एक ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा बोला गया जो कि थे सर जॉन सीले। ठीक है, तो जॉन सीले क्या बोलते थे कि ये अनपैट्रियोटिक था, सेल्फिश स्पॉय म्यूटनी थी और नो नेटिव लीडरशिप थी एंड नो पॉपुलर सपोर्ट इसे नहीं मिला। ठीक है, अगर ये सीधी सीधी लाइन आपसे पूछ ली जाए तो जॉन सीले का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हाउएवर इट वाज नॉट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इवेंट, इट इन्वॉल्व्ड मेनी सेक्शन ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन एंड नॉट जस्ट द स्पॉयज। आपको ये याद रखना है कि काफ़ी सारों ने पार्ट नहीं लिया, लेकिन ये नहीं भूलना कि काफ़ी सारों ने पार्ट इसमें लिया था, तभी ये जो है इंडिपेंडेंस का रिवोल्ट भी माना जाता है। तो ऐसे ही नहीं इसको माना जाता, काफ़ी लोगों ने जान भी गंवाई थी। ठीक है, उसके बाद एक बात मैं बताना चाहूँगी कि चाहे जो भी था ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, लेकिन एक बारी तो ब्रिटिशर्स जो है वो 1857 वाले रिवोल्ट से हिल के रह गए। ठीक है, इन द मेन ऑफ द मिलिट्री आउटब्रेक जो था एडवांटेज तो जो था वो किसने गेन कर लिया था, प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड्स ने, हुज इंटरेस्ट हैड बीन अफेक्टेड बाय द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, अभी न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर आ गया था और प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको भी एक सपोर्ट मिला कि ये जो चाहे उन्होंने पार्ट नहीं लिया इसमें, लेकिन उनको भी ये हो गया कि ब्रिटिशर्स अब जो है वो सीधे हो जाएंगे। ठीक है, इट वाज नेवर ऑल इंडिया इन करेक्टर, ऐसा माना जाता है कि ये जो था ऑल इंडिया करेक्टर का नहीं था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया साउथ इंडिया में जो है वो नहीं फैला था, तो ऑल इंडिया ये नहीं था, बट वॉज लोकलाइज रिस्ट्रिक्टेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, तो ये ज़रूर था। ठीक है, एब्सेंस ऑफ द कोहेशन एंड यूनिटी ऑफ पर्पस अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द रेबल्स, ये सभी बातें हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस इसे बोला जाता है, किसके द्वारा, सावरकर। ठीक है, तो वीडी सावरकर इसे क्या बोलते हैं अपनी बुक, इनकी बुक ये पूछी जा सकती है, ये किसकी बुक है। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर of Indian Independence, तो ये पूछा जा सकता है, ये जो बुक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखी गई, तो वी डी सावरकर के द्वारा, और उसमें इन्होंने क्या बोला कि प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस थी ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है, एक बुक लिखी थी डॉक्टर एस एन सेन, इन्होंने लिखी थी 1857, मतलब बुक का नाम है ये। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कंसीडर किया था द रिवोल्ट एज हैविंग बिगन एट द फाइट फॉर द रिलीजियन सेंटिमेंट्स पे वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे एंड हुआ था, मतलब रिलीजन से स्टार्ट होके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे ये रुका था जाके। उसके बाद आरसी मजूमदार क्या कंसीडर करते हैं, इट इज़ एज अ नाइदर द फर्स्ट नोर द नेशनल नोर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड एंड द मेनी सेक्शन ऑफ द पीपल टुक नो पार्ट इन द अपसर्ज। तो ये ऐसा नहीं मानते थे कि ये पहला जो है वो इंडिपेंडेंस का वॉर है या पहला नेशनल वॉर है या फिर पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, क्यों, क्योंकि वही बात कि सभी सेक्शंस ऑफ पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि लोकलाइज था, रिस्ट्रिक्टेड था एंड पुअरली ऑर्गेनाइज था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने 1857 रिवोल्ट को क्या बोला, द स्ट्रगल ऑफ द सोल्जर पीजेंट्स डेमोक्रेटिक कंबाइन अगेंस्ट द फॉरन एज वेल एज द फ्यूडल बॉन्डेज। उसके बाद लीडर्स ऑफ रिवोल्ट देमसेल्फ केम फ्रॉम अ फ्यूडल बैकग्राउंड से आते थे, क्योंकि जो लीडर्स थे ये सारे जो इनके नाम अभी मैंने आपको बताए थे वो एक फ्यूडल बैकग्राउंड से आते थे। ठीक है, उसके बाद ये जो था वो कैटेगराइज नहीं था, ये जो रिवोल्ट था वो कैटेगराइज्ड नहीं था, नॉट कैटेगराइज, नॉट ईजी टू कैटेगराइज। ठीक है, उसके बाद वाइल वन कैन ईजिली डिसमिस सम व्यूज जैसे कि एली आर रीस हु कंसीडर्ड इट एज द वॉर ऑफ द फैनेटिक रिलीजनिस्ट अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। ठीक है, उसके बाद टी आर होम्स
सॉ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड द बार्बनिज्म. तो ये कहते थे कि ये एक सिविलाइजेशन और बार्बनिज्म के बीच में एक कन्फ्लिक्ट था और कुछ भी नहीं था, और ऐसा वो नहीं मानते थे कि ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है. ठीक है, उसके बाद लेकिन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने नेशनलिज्म की भावना ज़रूर जगा दी थी इंडियंस के अंदर, और एंटी इंपीरियलिज्म की भावना भी जरूर जगा दी थी इंडियंस के अंदर. ठीक है, और ये एक कंसेप्ट लेके आए थे कॉमन नेशनैलिटी एंड द नेशनहुड का. ठीक है, उसके बाद वन में से दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल ऑफ इंडियंस टू थ्रू आउट ऑफ द ब्रिटिश रूल. तो ये ब्रिटिशर्स को बाहर धक्के मार के निकालने का फर्स्ट वॉर तो ज़रूर था. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इट एस्टैब्लिश द लोकल ट्रेडिशन ऑफ रेजिडेंस टू ब्रिटिश रूल विच वर टू बी पेव द वे फॉर द मॉडर्न नेशनल मूवमेंट. तो मॉडर्न नेशनल मूवमेंट की स्थापना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं, आई थिंक ये नेचर ऑफ द रिवोल्ट आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, इस पूरे रिवोल्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं. ठीक है, तो जो रिवोल्ट था 1857 का वो एक टर्निंग पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया. तो पहली बात कि ये एक टर्निंग पॉइंट था. ठीक है, इट लाइक चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. तो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट में ये चेंजेस लेके आता है क्या, रिवोल्ट. ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री की थी वो एज्यूम कर ली गई बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड द कंपनी रूल वॉज एबॉलिश. तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन एंड मतलब एज्यूम्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड कंपनी रूल जो था वो ख़त्म हो गया. यहाँ पे आपका कंपनी रूल जो है वो एबोलिश, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया था. उसके बाद जो एजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी बाय द सॉवरन ग्रेट ब्रिटेन वॉज अनाउंस्ड बाय द लॉर्ड कैनिंग एट द दरबार एट अलाहाबाद इन द क्वींस प्रोक्लामेशन, जो कि 1 नवंबर 1858 में बिठाया गया. तो पहला दरबार जो था वो ये याद रखेंगे आप, कहाँ पे लगा था, लॉर्ड कैनिंग ने लगाया था. कहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, अलाहाबाद में, क्वींस प्रोक्लामेशन में के लिए. कब, 1 नवंबर 1858. ठीक है, द ईरा ऑफ द अनेक्सेशन, जो कि ये एक्सपेंशन की थ्योरी को अपना रहे थे, तो वो भी ख़त्म हो गया. तो ये फोर्थ पॉइंट था हमारा. फिफ्थ पॉइंट में आपके पास आता है कि जो एक्सपेंड कर रहे थे ये अपनी एरियाज़ को, वो भी ख़त्म हो गया. ठीक है, अनेक्सेशन की पावर ख़त्म. और उसके बाद ब्रिटिश प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड द राइट ऑफ द नेटिव प्रिंसेस. तो अब ये प्रिंसेस को भी जो है वो रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद इंडियन स्टेट जो थे उनको भी टू रिकॉग्नाइज द पैरामाउंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एंड वर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सिंगल चार्ज. तो ये जो इंडियन स्टेट्स थी इनको भी जो है वो ट्रीटेड करने लग गए एज अ सिंगल चार्ज के अंदर. उसके बाद आपके पास आता है डिवीजन एंड काउंटर पोज का जो आइडिया था, ठीक है, उनको उसको भी इन्होंने बंद कर दिया. ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट आपके पास आता है कि जो रेशियल हेट्रेटेड था, ठीक है, और इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, तो वो भी इन्होंने ख़त्म करने की बात की गई कि अब काले गोरे का जो है रंग भेद का जो ये लेके चलते थे वो भी अब ये नहीं करा करेंगे. तो ये सभी चीज़ें जो है वो इस 1857 रिवोल्ट के बाद सामने आती हैं. इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बता देती हूँ कि ये आपको याद रखने में इजी होगा. तो दिल्ली से कौन लड़ रहे थे, जनरल भक्कान. ठीक है, कानपुर से मैंने आपको बताया नाना साहेब. लखनऊ से बेगम हज़रत महल. ठीक है, बरेली से खान बहादुर. बिहार से कन्वर सिंह. फैज़ाबाद से
मौलवी अम्दुल्ला, ठीक है, झांसी से आप सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो ये आपको इजी होगा लर्न करने के लिए, इसीलिए मैंने इसको सेपरेटली लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी याद रखने हैं कि उस टाइम पे कौन कौन से ये थे ब्रिटिश रेजिडेंट्स, कहाँ कहाँ पे थे, जैसे कि झांसी का मैंने आपको बताया था कि रोज़ ने, ठीक है, ह्यूज रोज़ ने जो है इसको ले लिया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, ठीक है। बनारस को किसने लिया था, कर्नल जेम्स नील ने, ठीक है। लखनऊ को लॉरेंस ने, हैवलॉक ने, आउट्राम ने और कॉलिन कैम्पबेल ने। अगर लखनऊ का पूछ लिया जाए तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके, लॉरेंस, हैवलॉक, आउट्राम और कैम्पबेल, कॉलिन कैम्पबेल। कानपुर को किसका रेजिडेंट था यहाँ पे, व्हीलर का, आपको याद होगा, ठीक है, और व्हीलर का था और कॉलिन कैम्पबेल का था, यहाँ पे कॉलिन कैम्पबेल भी आ जाता है, ठीक है। दिल्ली में कौन था आपके पास, एक तो था निकोलसन, हुडसन और हुडसन और साथ में आपके पास एक और था विल्गफ बाय, ठीक है। तो ये थे दिल्ली में, तो ये सब बातें आप जो हैं वो याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर 5 आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।